नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आने वाले समय में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने हाल ही में बड़ी सौगात दी है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहारवासियों को 501 एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके रवाना करने का काम किया है, जिससे एक फायदा ये होने वाला है कि आने वाले समय में मरीजों को मिलने वाले एम्बुलेंस में अब कोई भी देरी नहीं होगी। केवल एक ही फोन कॉल पर किसी भी शहर में मात्र 20 मिनट और गाँव में 35 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सेवा मिलने का दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। यानी कि अब मरीजों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके बाद ही बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने प्रत्येक प्रखंड में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी खुद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि पुरानी हो चुकी 652 सरकारी एम्बुलेंस को बदलने का काम किया गया है, जिसके बाद ही अब इन सभी एम्बुलेंस में मरीजों की जान बचाने के लिए अत्याधुनिक उपकरण मौजूद रहने वाले हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जिन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई है उसमें ऐसा खास क्या है। तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रवाना किए गए एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सुविधा के साथ साथ वेंटिलेटर, रिलेटर, सह कार्डियक मॉनिटर, सेंट्रल वेन कैथेटर्स की सुविधा रहेगी और इस तरह की एम्बुलेंस एक प्रकार से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस चलंत गहन चिकित्सा कक्ष की तरह काम करता है। बाकी 466 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है जो ऑक्सीजन युक्त है। इनका उपयोग सामान्य रोगियों के लिए किया जाता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आगे ये भी बताया है कि अभी कुछ ही एम्बुलेंस की आपूर्ति हो पाई है, जल्द ही अन्य एम्बुलेंस की आपूर्ति होते ही सभी जिलों को ये उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसके बाद ही आने वाले समय में बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती माता, बीमार शिशु, गंभीर रूप से बीमार मरीजों और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की जीवन रक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें इलाज की सुविधा देने वाले अस्पतालों में ले जाने में मददगार साबित होने वाला है। अभी 102 एम्बुलेंस सेवा के तहत ही कुल 1107 एम्बुलेंस विभिन्न जिलों में चल रही है। इसमें ही 1022 बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस और 85 उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस है, जिससे ही अब बिहार में मरीजों को बचाना भी आसान होने वाला है, क्योंकि कई बार एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने के कारण ही लोगों की जान नहीं बच पाती जो आसानी से बचाई जा सकती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।